हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन श्वेन हॉस्पिटल में होती है। एक्चुअली में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी। श्वेन ट्विंस को जन्म देती है। नर्स आकर श्वेन की आंटी को बोलती है उनका एक बच्चा मरा हुआ है। आंटी बोलती है तो इसे यहाँ क्यों लाई हो, जाकर इसे दफन कर दो। नर्स श्वेन को आकर बताती है आपका एक ही बच्चा बच पाया है। श्वेन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और उसे अपना कार एक्सीडेंट याद आता है जिसमें वो अपने लवर के साथ थी। इधर लीना अपनी मोम को बोलती है अगर श्वेन मर गई ना तो हमें उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। उसकी मोम बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से मरने थोड़ी दूंगी। जैसे ही श्वेन को होश आता है आंटी नौटंकी करने लग जाती है जैसे वो उसके लिए भगवान से प्रे कर रही थी। श्वेन पूछती है मैं यहाँ पर कैसे आई। लीना बोलती है तुम अपने लवर के साथ अब्रोड भाग रही थी लेकिन तुम्हारा लवर तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हें छोड़कर अब्रोड भाग गया। श्वेन बोलती है मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, वैसे मेरा बच्चा कहाँ है। लीना उसे उसकी बेटी ला कर देती है। एक्चुअली में श्वेन अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा भूल गई थी जिसका फायदा ये दोनों माँ बेटी मिलकर उठाने वाली थी। दूसरी ओर हमें मिस्टर चैन को दिखाया जाता है यानी कि श्वेन के लवर को जो इस कार एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो चुका था। कहानी 5 साल आगे चली जाती है। श्वेन एक होटल में आती है। एक्चुअली में उसकी आंट ने मिस्टर चैन के साथ उसकी डेट फिक्स की थी। अपनी मोम को देखकर टैन अपने डैड को बोलता है हमारा टारगेट आ गया है। दोनों बाप बेटे श्वेन के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही श्वेन मुड़ती है दोनों साइड हट लेते हैं। श्वेन के सामने एक बंदा आ जाता है। उसे लगता है यही मिस्टर चैन है पर ये तो एक नंबर का ठरकी था। वो श्वेन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है तो श्वेन भी उसे अच्छा मजा चखा देती है। मेरी आंटी इस लिचड़ के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है। श्वेन का ये वाला रूप देखकर ये दोनों बाप बेटे तो डर जाते हैं। अन बोलता डैड मोम तो बहुत ही ज्यादा कूल है। इधर श्वेन गिरने वाली थी तभी मिस्टर चैन आकर उसे पकड़ लेता है और उस बंदे को एक किक मारता है। श्वेन सोचती है ये बंदा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर चैन तो उसके पैर पर लगा हुआ ब्लड साफ करने लग जाता है। ये देखकर श्वेन को पुराना फ्लैशबैक याद आता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। मिस्टर चैन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अन असिस्टेंट को बोलता है क्या मोम घर पर आ गई। असिस्टेंट बोलता है आपको थोड़ा वेट करना होगा और असिस्टेंट सोचता है अच्छा हुआ उस दिन मैंने चैन को हॉस्पिटल में देख लिया था वरना ये मर जाते। अन बोलता है मम्मा की मेमोरी नहीं है तो क्या वो मुझे लाइक भी नहीं करेगी। असिस्टेंट बोलता है वो आपको लाइक क्यों नहीं करेगी, आप इतने ज्यादा क्यूट जो हो। मुझे डर है पता नहीं तुम्हारे डैड फिर से उसे मना पाएंगे या नहीं। अन बोलता है मैं डैडी की हेल्प करूंगा। इधर मिस्टर चैन श्वेन को देख रहा होता है तभी श्वेन को अपने एक्स लवर का धोखा याद आता है और वो होश में आ जाती है और उसे बोलती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम पाई बता देता है। एक्चुअली पहले भी उसने उसे अपना नाम पाई ही बताया था जब वो उसका लवर था, इसलिए श्वेन सोचती है ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है और उसे अपना नाम बताकर हेलो बोलती है। श्वेन तो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता। श्वेन बोलती है अब ऐसे ही पकड़े रहोगे क्या। श्वेन हाथ छोड़ देता है वैसे मैंने सुना है डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। श्वेन बोलती हाँ मुझे एक बार वो धोखेबाज मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। श्वेन तो डर जाता है कौन धोखेबाज। श्वेन बोलती है मेरा एक्स लवर 5 साल पहले वो मेरे पैसे लेकर भाग गया था। मिस्टर श्वेन बोलता है हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। श्वेन बोलती है क्या कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, वो पिछले 5 साल में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। चलो छोड़ो उसके बारे में क्या ही बात करनी, चलो मुझे वीचैट पर ऐड कर लो मैं तुम्हें मेडिकल एक्सपेंस पे कर देती हूँ। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है। यही वो लड़की है ना जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रहे हो। 5 साल पहले भी तुमने इसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, वो तुम्हें गरीब लड़का समझती थी। मिस्टर चैन बोलता है श्वेन की फैमिली को फ्यूचर में काफी रिग्रेट होने वाला है पर अब मैं उन पर प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि वो श्वेन की शादी मुझसे करवा दे। इधर श्वेन अपने घर आती है और अपनी बेटी युआन को ढूंढ रही होती है पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखती। तभी आंटी भी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है। श्वेन पूछती है मेरी बेटी युआन कहाँ पर है। आंटी बोलती है पहले मिस्टर चैन से शादी कर लो उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारी बेटी कहाँ है।
एक्चुअली में चैन इस कंट्री का सबसे अमीर बंदा था। श्वेन बोलती है मैं उस चिचोरे आदमी से शादी नहीं करने वाली। लीना बोलती है अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम्हें श्वेन फैमिली से निकाल दिया जाएगा। श्वेन बोलती है अगर वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो तुम ही क्यों शादी नहीं कर लेती उससे। आंटी बोलती है बेटी को देखना चाहती हो तो मिस्टर चैन के साथ शादी तो करनी पड़ेगी। वो बोलती है आप मुझे धमकी दे रही हैं। आंटी बोलती है धमकी तो मिस्टर चैन ने हमारी फैमिली को दे रखी है। श्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो ब्लाइंड डेट की साइट पर अपना प्रोफाइल बना लेती है। जोहान देख लेता है और आकर बोलता है मोम तो पागल हो गई है। मिस्टर चैन पूछता है क्या हुआ। श्वेन बोलता है देखो ना मोम ने ब्लाइंड डेट साइट पर अपना अकाउंट बनाया है। आपने ऐसा क्या किया है जो मोम आपसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। मिस्टर चैन बोलता है मैंने श्वेन फैमिली पर दबाव बनाया है। अगर श्वेन मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उनकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। पर लगता है मेरी ये ट्रिक काम नहीं कर रही। चलो मैं भी इस साइट पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अन बोलता है डैड यानी आप मोम के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हैं। चैन हाँ बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेन को उसकी बेटी का कॉल आता है। एक्चुअली मैं वो आंटी की गिरफ्त से भाग गई थी। युआन बोलती है मॉम आप चिंता ना करें मेरे साथ बॉडीगार्ड भी हैं। श्वेन बोलती है मैं तो घबराई गई थी। कुछ दिन तुम वहीं पर रहना मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। युआन बोलती है मॉम क्या आप सीक्रेटली किसी और से शादी करने वाली हैं। श्वेन मना कर कॉल कट कर देती है और बोलती है सॉरी मुझे तुम्हें बिना बताए ही शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में श्वेन एक एक कर अपने सभी ब्लाइंड डेट से मिलती है। पहले वाला तो दहेज ही मांगने लग जाता है इसलिए श्वेन उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। सेकंड ब्लाइंड डेट और कोई नहीं अन होता है। अन बोलता है मोम मैं आपका सेकंड ब्लाइंड डेट हूँ। मैं काफी क्यूट और आज्ञाकारी भी हूँ। श्वेन उसे अपने पास बुलाती है मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ पर तुम मुझे सिस्टर कह के बुला सकते हो। तभी दूसरा ब्लाइंड डेट आकर बोलता है क्या तुम्हारा ऑलरेडी बच्चा है। श्वेन हाँ बोल देती है क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो बंदा बोलता है बिल्कुल नहीं पर मैं तुम्हारे साथ रात गुजार सकता हूँ। श्वेन गुस्से में उस पर टी गेर देती है यहाँ से दफा हो जाओ। वो बंदा उस पर वास मारने वाला था तभी मिस्टर चैन आकर उसे एक झापट लगा देता है। अन बोलता है डैड आप तो कमाल हो आपने तो इसे गायब कर दिया। मिस्टर चैन बोलता है मैं कार पार्क कर रहा था तुम यहाँ पर भाग कर आ गए मुझे लगा तुम गुम हो गए। अन बोलता है सिस्टर ये मेरे डैड हैं और मैं इन्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मिस्टर चैन बोलता है क्या सिस्टर। श्वेन बोलती है तुम मुझे सिस्टर कहकर मत बुलाओ अब कोई जरूरत नहीं है मोमी कह लो। श्वेन मिस्टर चैन का प्रोफाइल देखने लग जाती है। मिस्टर चैन बोलता है मैं भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ पता नहीं तुम मुझसे सेटिस्फाई होगी या नहीं। प्रोफाइल में लिखा था मिस्टर चैन वेटर का काम करता है और बहुत ही ज्यादा पुअर भी है। मिस्टर चैन तो ये सुनकर ही शौक हो जाता है लेकिन अपने प्रोफाइल को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद अपने बेटे को घूरने लग जाता है ये सब क्या है। अन बोलता है डैड मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मोम आपसे शादी कर ले। अगर आप रिच होंगे ना तो वो आपसे शादी कभी नहीं करेगी। अब आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर चैन बोलता है हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ लेकिन श्वेन मना करती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मिस्टर चैन बोलता है क्यों नहीं कर सकती अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें मिस्टर चैन से शादी करनी पड़ेगी। ये बोलने के बाद मिस्टर चैन मन में सोचता है चलो वैसे ना सही ऐसे सही पर इससे शादी तो मेरी हो ही जाएगी। श्वेन पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। मिस्टर चैन बोलता है ये देखो मेरा बेटा कितना क्यूट है ना इसे एक मॉम की जरूरत है और प्लस मुझे फंड की जरूरत है ताकि मैं अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अन भी बोलता है आप मेरे डैड से शादी कर लीजिए देखो ना आपको एक के साथ एक क्यूट डंपलिंग फ्री मिल रहा है यानी कि मैं। बहुत सोचने के बाद श्वेन बोलती है ठीक है तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी मेरा पति होने की। अंत साफ मना कर देता है ऐसा नहीं हो सकता लेकिन मिस्टर चैन उसे चुप करा देता है ठीक है मैं तैयार हूँ चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। श्वेन बोलती है मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। मिस्टर चैन बोलता है जरूरत क्यों नहीं है हमारी शादी सच है ये साबित करने के लिए तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा ना नहीं तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। श्वेन बोलती है बात तो तुम्हारी एकदम सही है और बाहर आकर मीडिया वालों को बोलती है मैं मिस्टर चैन के साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं मिस्टर पाई के साथ शादी करने वाली हूँ। अन बोलता है डैड अगर मोम को सच पता चल गया तो क्या होगा। मिस्टर चैन बोलता है पहले मैं तुम्हारी मोम को अपने प्यार में डालूंगा फिर मैं उसे बता दूंगा मैं ही चैन हूँ।
यही हमारे लिए ठीक भी रहेगा। मीडिया वाले पूछते हैं, आप मिस्टर चैन से शादी क्यों नहीं कर रही हैं? चैन बोलती है, वो अमीर है तो उसे क्या लगता है मैं उस जैसे शराबी से शादी कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर चैन को तो बुरा लग रहा होता है। हन बोलता है, डैड आप मोम को कभी मत पता चलने देना कि आप ही चैन हो, वरना वो पक्का आपको छोड़ के भाग जाएगी। आप पहले उन्हें बताना कि आप ही उनके बॉयफ्रेंड मिस्टर पाई हो। तभी रिपोर्टर पूछती है, हमने सुना है आपका कोई एक्स लवर भी था। चैन बोलती है, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो धोखेबाज एक बार मुझे मिल जाए मैं उसकी चटनी बना दूंगी। ये सुनकर इन दोनों बाप बेटे का तो मुंह ही बन जाता है। श्वेन उसे बोलती है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र किया। मिस्टर चैन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके जाते ही अन बोलता है, डैड आप मोम को ना ही बता सकते हैं कि आप मिस्टर चैन हैं और ना ही मिस्टर पाई यानी कि उनके एक्स लवर के बारे में बता सकते हैं। अब तो बस आपको एक वेटर बनकर ही रहना होगा। चैन बोलता है, बेटा तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं तो गया काम से। और अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है, उस दिन श्वेन के साथ बदतमीजी कर रहा था उसे पकड़ कर लाओ। अन बोलता है, डैड अब मेरा और मेरी बहन का फ्यूचर बस आपके हाथों में है। अन बोलता है, चिंता मत करो मैं तुम्हारी मोम से शादी तो कर ही रहूंगा। लीना और उसकी माँ ने भी ये सारा तमाशा देख लिया था। लीना बोलती है, मुझे ये मिस्टर पाई मिस्टर चैन जैसा क्यों लग रहा है। उसकी मोम बोलती है, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लीना को पता चलता है श्वेन की बेटी युआन उनके हाथों से निकल गई है। ये दोनों माँ बेटी तो शोक हो जाती हैं। इधर ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल ब्यूरो से बाहर आते हैं। सर्टिफिकेट पर फोटो देखकर श्वेन को चक्कर आने लग जाते हैं पुराने फ्लैशबैक की वजह से। मिस्टर चैन उसे संभालता है। श्वेन पूछती है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? चैन बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, हम पहले कभी नहीं मिले। श्वेन बोलती है, तो इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? चैन बोलता है, क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना, वैसे तुम्हें पिछला कुछ याद आ रहा है क्या? चैन बोलती है, कुछ फ्लैशबैक आते हैं पर क्लियरली कुछ भी याद नहीं आता। ये सुनकर चैन सुकून की सांस भरता है, मुझे लगता है तुम थक गई हो, अगर तुम रेस्ट करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। श्वेन उसे चेक देती है, इन पैसों से तुम अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। मिस्टर चैन लेने से मना करता है तो श्वेन बोलती है, अगर तुम मना करोगे तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी। मिस्टर चैन बोलता है, ठीक है मैं रख लेता हूँ और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। अन भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये सारा नजारा अपनी बहन को दिखा रहा होता है। देखो अब तुम्हारी मोम मेरी भी मोम बन गई है। श्वेन बोलती है, अब मुझे भी डैड मिल गए हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन के बंदे उस शराबी को पकड़ कर ले आते हैं। खूब सारे झापट खाने के बाद वो बंदा माफी मांगने लग जाता है, मुझे नहीं पता था वो आपकी वुमेन है वरना मैं तो उससे दूर ही रहता। मिस्टर चैन बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं पर याद रखना अब से तुम ही उसके लिए मिस्टर चैन रहोगे। वो बंदा ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आए होते हैं। श्वेन बोलती है, मिस्टर पाई कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है इस सूट में। तभी एम्प्लॉय आकर बताती है, श्वेन की जो ड्रेस है मिस्टर पाई ने अब्रॉड से मंगवाई है। श्वेन बोलती है, मैंने तुम्हें जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दिए थे क्या तुमने वो सारे इस ड्रेस पर खर्च कर दिए? चैन बोलता है, ये शादी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं वो पैसे क्यों ना खर्च करता। उसकी बातें तो श्वेन के दिल को छू जाती हैं और बोलती है, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद दोनों तैयार होकर वेडिंग हॉल में जाने वाले थे लेकिन भारी रिपोर्टर्स श्वेन के पीछे पड़ जाते हैं। हमने सुना है आप सिंगल डैड से शादी कर रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। श्वेन कोई जवाब नहीं देती। रिपोर्टर बोलते हैं, आपको नहीं लगता मिस्टर चैन को जब ये बात पता चलेगी तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं? चैन बोलता है, मैं अपनी वाइफ को किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। शादी से पहले मिस्टर चैन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है, मुझे मालूम है तुम ही मिस्टर चैन हो और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। मेरी बहन को अगर पता चल गया कि तुम ही मिस्टर चैन हो तो वो पक्का तुमसे शादी नहीं करेगी और फिर तुम्हारे जो भी प्लान है सारे फ्लॉप हो जाएंगे। मिस्टर चैन तो उसे दूर हटाकर चला जाता है। शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है। दोनों वेडिंग हॉल में आते हैं और शादी के वचन दे ही रहे होते हैं कि तभी लीना अपनी मोम के साथ वहाँ पर आ जाती है। ये मिस्टर चैन है, तुम्हें धोखा देकर तुमसे शादी कर रहा है।
ये सब तो शोक हो जाते हैं। तभी श्वेन की बेटी युआन भी वहाँ पर आ जाती है। मोम आप ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये आपका एक्स लवर है जो आपको धोखा देकर भाग गया था। ये सुनकर श्वेन को तो चक्कर आने लग जाते हैं। मिस्टर चैन बोलता है ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वेन अपनी बेटी से पूछती है तुम ये शादी क्यों नहीं होने देना चाहती। युआन बोलती है क्योंकि मुझे स्टेप डैड नहीं चाहिए, उसके बाद आप मुझे छोड़ देंगी ना। मिस्टर चैन बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। तभी अन भी वहाँ पर आ जाता है। प्रीटी सिस्टर मेरे डैड बहुत ही अच्छे हैं। मिस्टर चैन बोलता है मैं हर कोशिश करूँगा तुम्हारा अच्छा डैड बनने की। लीना बोलती है पर तुम ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये मिस्टर चैन है। लेकिन चैन बोलता है मैं नहीं, वो आदमी असली मिस्टर चैन है। और बॉडीगार्ड उन माँ बेटी को पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैन अपनी बेटी के फोटोज देख रहा होता है, तभी श्वेन वहाँ पर आ जाती है। हमारी फैमिली इनकम्प्लीट थी पर अब हम दोनों की फैमिली कम्प्लीट हो गयी है। श्वेन को तेज फीवर होता है इसलिए उसे चक्कर आने लगते है। मिस्टर चैन उसे लिटाकर जा रहा होता है। श्वेन उसे रोकती है मुझे पानी चाहिए। मिस्टर चैन उसे पिला देता है। श्वेन को लगता है ये उसका एक्स लवर है और उसे बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास बैठो ना, वैसे भी हम कल दोनों अब्रॉड जाने वाले हैं ना। मिस्टर चैन की आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि श्वेन होश में नहीं थी और वो उसे अपना लवर समझ रही थी। मिस्टर चैन बोलता है तुम रेस्ट करो मैं जाता हूँ। श्वेन बोलती है बेड पर कितनी जगह है, तुम भी मेरे साथ सो जाओ। दोनों साथ में सो रहे होते हैं। श्वेन बोलती है कल हम दोनों यहाँ से अब्रॉड भाग जाएंगे, वहाँ जाकर हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। मिस्टर चैन भी हाँ बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेन चैन को अपने बेड पर सोता हुआ देख कर उसे धक्का मार देती है क्योंकि मैडम होश में जो आ गई थी। तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। चैन बोलता है कल रात तुम्हें फीवर था, तुमने खुद ही मुझे अपने पास सुलाया था। श्वेन उसे तकिया देकर मारती है अब यहाँ से दफा हो जाओ। चैन बोलता है चिल्ला क्यों रही हो, मैं जा रहा हूँ। चैन उसके लिए दूध रखकर चला जाता है। श्वेन सोचती है वैसे ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में श्वेन अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में आती है लेकिन एम्प्लॉय बोलता है आपके नाम से तो कोई बुकिंग ही नहीं है। श्वेन बोलती है मेरे हस्बैंड के नाम मिस्टर पाई से बुकिंग हो सकती है। एम्प्लॉय बोलता है इस नाम से भी कोई बुकिंग नहीं है। अन सोचता है जरूर चैन नाम से बुकिंग होगी, अब हम क्या करेंगे। तभी लीना भी अपनी मोम के साथ वहाँ पर आ जाती है। हमने भी यहाँ पर रिजर्वेशन करा रखी है। मोम बोलती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम अंदर नहीं जा पा रही, चलो हमारे साथ बैठकर खा लेना। तभी एम्प्लॉय को एक कॉल आता है आप अंदर जा सकती हैं मिसेस पाई। लीना बोलती है तुम रूल्स को तोड़ रही हो, ये अंदर कैसे जा रही है। लेकिन एम्प्लॉय उसे इग्नोर मार देता है। आपके लिए स्पेशल बुकिंग कराई गई है मिसेस पाई। श्वेन सोचती है ये रिजर्वेशन किसने कराया होगा। तभी मिस्टर चैन भी नकली वाले चैन के साथ आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें मालूम है ना क्या करना है। नकली वाला चैन आकर बोलता है ये रिजर्वेशन मैंने ही कराई है और श्वेन को बोलता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने बिहेवियर के लिए जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ किया था। मोम बोलती है तुम इसे माफ कर दो, देखो ना तुम्हें ये कितने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है। श्वेन मना कर देती है मुझे कोई चैरिटी नहीं चाहिए। तभी मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ये मेरे पास आए थे माफ़ी मांगने के लिए, इसलिए मैंने इन्हें मौका दे दिया ताकि तुम इन्हें माफ कर दो। नकली वाला मिस्टर चैन इन दोनों माँ बेटी को धमकी देता है फ्यूचर में श्वेन के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना। वो दोनों माँ बेटी तो अंदर भाग जाती हैं। इसके बाद सारे साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। चैन तो श्वेन के बाल ठीक कर रहा होता है जो श्वेन को अजीब लगता है और पूछती है तुम्हें कैसे मालूम ये सारी मेरे फेवरेट फूड है। चैन बोलता है ये सारा फूड मुझे भी पसंद है। श्वेन बोलती है क्या कॉन्सिडेंस है, हम दोनों की पसंद एक जैसी है। नेक्स्ट सीन में आंटी श्वेन से मिलने के लिए आती है। तुम जानना चाहती थी ना मेमोरी लॉस से पहले तुम किसे प्यार करती थी। श्वेन बोलती है अचानक से आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। आंटी बोलती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुमने एक वेटर से शादी कर ली है ना, और उसे फोटो दिखाती है तुम इस बंदे से प्यार करती थी। श्वेन को यकीन नहीं होता अगर मैं इससे प्यार करती थी तो मुझे ये याद क्यों नहीं आया। आंटी मिस्टर शिन के पास आकर बोलती है मैंने आपका काम कर दिया। इधर चैन घर पर खाना बनाकर रखता है। श्वेन घर आती है और उसे बोलती है ये सब करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर चैन बोलता है तुम काम पर जाती हो, मैं घर पर कुछ नहीं करता, एटलीस्ट मुझे खाना तो बनाना ही चाहिए ना तुम्हारे लिए। श्वेन बोलती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तभी दोनों बच्चे चिल्लाते हुए आ जाते हैं। युआन बोलती है
मॉम आप डैड से डिवोर्स ना ले। शायन बोलती है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? पहले तो तुम इस शादी के खिलाफ थी ना। युआन बोलती है, लेकिन डैड बहुत अच्छे हैं, ये हमारा बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। मैं नहीं चाहती आपको कोई और धोखेबाज मिल जाए जो आपको चीट कर भाग जाए, इसलिए आप इनके साथ ही रहो। चैन ने श्वेन का हाथ पकड़ लिया था। अनहार छुड़वा देता है। श्वेन पूछती है, ऐसा क्यों किया? युआन बोलती है, मॉम अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा डैड का हाथ पकड़ोगे तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगी और हमें एक और सिबलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप हमें प्यार नहीं करोगी। ये दोनों तो हंसने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर चैन श्वेन को 5 सेकंड तक घूरता रहता है और उसके बाद उन्हें बोलता है, देखो बच्चों 5 सेकंड हो गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, और अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई सिबलिंग हो तो हम और बच्चे नहीं करेंगे। चलो अब तुम दोनों अंदर जाओ, मॉम डैड को कुछ बात करनी है। मिस्टर चैन वो फोटोस उठाता है जो श्वेन को उसकी आंटी देके गई थी। चैन बोलता है, इसी वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ना? चैन बोलती, हाँ ये मेरा फर्स्ट लव है। मिस्टर चैन बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ये तुम्हारी लाइफ में मुझसे पहले आया था, पर अब तुम मेरी वाइफ हो। और उसके क्लोज आ जाता है। श्वेन बोलती है, पर हमारी शादी फेक है। मिस्टर चैन बोलता है, अब ये चाहे फेक शादी हो या रियल, अब हमें इस शादी को निभाना ही होगा। वैसे भी तुमने सुना ना, युआन ने बोला, मुझसे बेटर तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। श्वेन बोलती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, थोड़ा इमोशनली भी सोचो। चैन बोलता है, तो यही वो बंदा है जिसकी तुम उस दिन मुझसे बात कर रही थी, यानी कि वो धोखेबाज जो तुम्हें धोखा देकर भाग गया था। श्वेन बोलती है, नहीं तो मेरी आंटी ने मुझे कहा मैं इससे प्यार करती थी, पर पता नहीं इसकी फोटो देखकर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। मिस्टर चैन बोलता है, क्योंकि तुम अपनी कुछ मेमोरीज भूल गई हो, हो सकता है इसलिए तुम्हें कुछ फील ना होता हो। वैसे अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, पिछला पुराना भूल जाओ। चैन बोलती है, ठीक है चलो खाना खाते हैं। चारों साथ में बैठ कर हैप्पी फैमिली की तरह खाना खा रहे होते हैं। चैन तो बस श्वेन को ही देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में श्वेन अपने बच्चों के लिए टॉयस लेने जाती है, जहाँ पर टीना भी पहुँच जाती है। क्या बात है, तुम तो अच्छी स्टेप मॉम बनने की पूरी तैयारी कर रही हो। और उसे मिस्टर शिन की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है। श्वेन बोलती है, तुम इतनी अच्छी कब से हो गई जो ऐसी पार्टियों में मुझे इन्वाइट कर रही हो। टीना बोलती है, ये मिस्टर शिन ने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन श्वेन इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। टीना मिस्टर शिन को कॉल कर बोलती है वो इनविटेशन कार्ड नहीं ले रही। मिस्टर शिन बोलता है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। टीना को गुस्सा आ जाता है, श्वेन को हट करने वाली थी, पर तभी मिस्टर चैन का बॉडीगार्ड आकर उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। श्वेन अपने बच्चों को स्कूल से घर लाती है, तभी वहाँ पर शिन का असिस्टेंट आ जाता है, उसे फिर से इनविटेशन कार्ड देने आ जाता है। श्वेन बोलती है, मैंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे इस बर्थडे पार्टी में नहीं आना। सेक्रेटरी बोलता है, अगर आप इस बर्थडे पार्टी में आती हैं तो आपको मेमोरी लॉस से पहले की सारी जानकारी मिल सकती है। श्वेन इन्विटेशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। उस कार में मिस्टर शिन भी बैठा होता है। श्वेन को लगता है जरूर ये फोटो वाला आदमी है। मिस्टर चैन अपनी वाइफ के लिए स्वीट लेकर घर पहुंचता है। श्वेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे वो इनविटेशन कार्ड देती है। ये मिस्टर शिन मुझे अपनी पार्टी में पता नहीं क्यों इनवाइट करना चाहता है, क्या तुम इसे जानते हो? श्वेन बोलता है, ये शिन फैमिली का वारिस है, वैसे ये अब्रोड चला गया था, लगता है वापिस आ गया होगा। श्वेन बोलती है, इसका सेक्रेटरी बोल रहा था मेमोरी लॉस से पहले की सारी जानकारी इसके पास मिलेगी, पर मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। चैन बोलता है, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, वैसे तुम इससे बचकर रहना, मुझे इसके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगते। श्वेन ओके बोल देती है। चैन बोलता है, अब तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन चैन को तो शिन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसके सोने के बाद घर से निकल जाता है, पर श्वेन भी सोई नहीं थी, उसके पीछे आ जाती है। इधर शिन बार में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है, तभी चैन आकर उसे पंच मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई शिन के पास आने की? शिन बोलता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, भूल गए हो क्या, मेरी उससे शादी भी होने वाली थी। लेकिन चैन तो उसे पंच मार देता है। तभी वो शिन को भी वहाँ पर देख लेता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? श्वेन बोलती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैन बोलता है, मैं यहाँ पर वेटर का काम करता हूँ, ये तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे हिट कर दिया। लेकिन श्वेन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता।
और बोलती है, मुझे कुछ पिछली मेमोरीज याद आ रही हैं। मैं किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शिन बोलता है, वो लड़का मैं ही हूँ। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, चाहो तो तुम अपनी अन से भी पूछ सकती हो। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आज मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में तुम आ जाना, तुम्हें वहाँ पर सच पता चल जाएगा। सीन में चैन श्वेन को बोलता है, आज तुम पूरा दिन मुझे इग्नोर कर रही थी, क्या हो गया? चैन बोलती है, तुम ही वो धोखेबाज बॉयफ्रेंड हो ना जो मुझे छोड़कर भाग गए थे। चैन बोलता है, मैं वो धोखेबाज नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ वो कौन है जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था। चैन पूछती है, तो बताओ वो कौन है? चैन बोलता है, मैं उसे बहुत टाइम पहले मिला था, वो मेरे साथ ही काम करता था, पर अब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। चैन फिर से उसे रूडली बात करने लग जाती है। मैं शिन की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। चैन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ उस पार्टी में चलूंगा। चैन बोलती है, तुम क्यों जाओगे भला? तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड आया है? मैं वहाँ जाकर सच का पता लगाना चाहती हूँ, ताकि मुझे क्लियर हो सके मेरी लाइफ में आखिरकार हुआ क्या था। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन भी उसके पीछे जाने लगता है और दोनों बच्चे भी अपने डैड के पीछे निकल जाते हैं। श्वेन शिन की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आ जाती है। वो उन्हें तोहफा देती है जो उन्हें काफी पसंद आता है। उसकी कजिन लीना भी वहाँ पर आई हुई होती है। वो उसे ड्रिंक का ग्लास देती है जिसे श्वेन पी लेती है। एक्चुअली में लीना ने उसमें कोई नशे की दवाई मिला दी थी। इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर शिन अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों बच्चे ये देख लेते हैं, आप हमारी मोम को कहाँ लेकर जा रहे हैं बैड अंकल? मिस्टर शिन बोलता है, तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। अन बोलता है, हमें डैडी को हेल्प के लिए बुलाना होगा। चैन भी वहाँ पहुँच गया था। दोनों बच्चे अपने डैड को देख लेते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, बैड अंकल हमारी मोम को अपने साथ लेकर गए हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मिस्टर शिन उसे रूम में लेकर आ जाता है। चैन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। तभी लीना आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। मैं उससे ज्यादा अच्छी हूँ, मेरे साथ ट्राई करो। चैन तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास बातें सुनने का, ये बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? तभी उसे अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो भागा हुआ रूम में आ जाता है और शिन को एक झापट देता है और उसे उठाकर कार में लेकर आ जाता है। श्वेन तो होश में नहीं थी, इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी भी कमाल की है। चैन भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर देता है, जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। श्वेन को होश आता है, एक्चुअली में ये सब उसका सपना होता है, और सोचती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। तभी चैन भी उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। चैन उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। चैन बोलता है, थैंक यू क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। चैन बोलती है, मुझे नहीं मालूम था वो शिन ऐसा है। चैन बोलता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। चैन बोलती है, पर तुम बिना इन्विटेशन के पार्टी के अंदर आए कैसे? चैन बोलता है, वो मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ले ली थी, वो वहाँ पर काम करता था। श्वेन बोलती है, ओ ऐसा है क्या, तो अपनी फ्रेंड को भी थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से। और उसे बोलती है, सच बताओ तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो ना? चैन साफ मना कर देता है, सच में मैं तुम्हारा एक्स लवर नहीं हूँ। श्वेन बोलती है, इसका मतलब शिन ने मुझे झूठ कहा, वो कह रहा था तुम ही मेरे एक्स लवर हो। चैन बोलता है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, इसलिए वो हमें अलग करने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। तभी शिन भी वहाँ पर आ जाता है, मैं सच बोल रहा था, यही तुम्हारा एक्स लवर है जो तुम्हें धोखा देके भाग गया था। लेकिन श्वेन उसकी बात पर यकीन नहीं करती, ये मेरा हस्बैंड है, इसके बारे में कुछ भी मत बोलो। शिन को गुस्सा आ जाता है, एक तो मैं तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही बोल रही हो। श्वेन तो उसे हिट कर देती है, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी वरना तुम खुद यहाँ से चले जाओ। तभी लीना भी वहाँ पर आ जाती है, तुम मेरी फियांसी को हिट क्यों कर रही हो? श्वेन बोलती है, क्या ये तुम्हारा फियांसी है? लीना बोलती है, हाँ कल रात हम दोनों साथ में थे, तो इसका मतलब क्या होगा? श्वेन बोलती है, अच्छा है फिर तो, तुम दोनों खुश रहो। शिन तो लीना को दूर हटा देता है। श्वेन डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और चैन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। चैन तो बेचारा नर्वस हो जाता है। श्वेन बोलती है, कल जो अधूरा रह गया था क्या वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते? चैन भी उसे बेड पर पुश कर देता है और बस किस करने वाला था। तभी श्वेन बोलती है, मुझे पक्का यकीन है तुम वो एक्स लवर नहीं हो सकते। ये सुनकर चैन दूर हट जाता है। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। श्वेन को अजीब लगता है, ये मुझसे भाग क्यों रहा है? चैन खाना खा रहा होता है, श्वेन भी वहाँ पर आ जाती है। चैन पूछता है, दोनों बच्चे कहाँ पर है? श्वेन बताती है, वो दोनों ट्रिप पर गए हैं, एक हफ्ते के बाद आएंगे। वैसे अच्छा ही है ना, हम दोनों को टाइम मिल जाएगा अकेले में टाइम स्पेंड करने का। चैन तो घबरा जाता है, हाँ सही कह रही हो। श्वेन पूछती है, वैसे तुम आज काम पर नहीं जाओगे क्या? चैन बोलता है,
आज कोई काम नहीं है ना, इसलिए नहीं जाना वहाँ पर। श्वेन बोलती, तुम्हारा काम तो काफी फ्लेक्सिबल है, जब मन चाह तब जा सकते हो। वैसे तुम कहाँ काम करते हो? श्वेन बोलता है, जिस बार में उस दिन हम मिले थे ना, उसी में। श्वेन बोलती है, ठीक है तो कल मैं भी तुम्हारे बार में आऊंगी। श्वेन तो नर्वस हो जाता है और बहाना बनाकर बाहर आता है। बाहर आकर श्वेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, जल्दी से मेरे लिए जाकर उस बार को खरीद लो। नेक्स्ट डे श्वेन बार में पहुँच जाती है। श्वेन उसके लिए वाइन लेकर आता है। श्वेन बोलती है, यहाँ पर तो तुम्हें बहुत सारी रिच लड़कियाँ मिलती होंगी ना, जिनका स्टैंडर्ड भी काफी हाई होता होगा। श्वेन बोलता है, मैं सब कुछ अपने दम पर करना चाहता हूँ, मुझे किसी हाई स्टैंडर्ड रिच गर्ल की जरूरत नहीं है। तभी लीना भी वहाँ पर आ जाती है। ब्रदर इन लो, आप महीने का कितना कमा लेते हैं यहाँ से? श्वेन बोलती है, मेरे पति से तमीज से बात करो। लीना उसे चाटा लगाने वाली थी, लेकिन श्वेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मिस्टर शिन भी वहाँ पर आ जाता है। तुम एक वेटर हो, अपनी औकात में रहो, चलो जल्दी से जाकर मेरे लिए यहाँ की सबसे महंगी वाली वाइन लेकर आओ। श्वेन बोलता है, आज की रात सिर्फ मैं श्वेन को ही सर्व करूँगा, किसी और को नहीं। मिस्टर शिन अपना कार्ड देता है, मैं सभी का बिल पे करूंगा, जाओ वाइन लेकर आओ। लीना तो इतराने लग जाती है, मेरा फियांसे सभी को ट्रीट दे रहा है, पर तुम्हारे पति यानी कि इस वेटर के पास क्या पैसे हैं वाइन खरीदने के लिए? श्वेन बोलती है, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास तो है ना। लीना बोलती है, ये तो तुम चीटिंग कर रही हो। शिन बोलता है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तभी मिस्टर चेन अनाउंसमेंट कर देता है, आज की ड्रिंक का सारा बिल मेरी तरफ से, यानी कि फ्री। सभी लोग खुश हो जाते हैं। शिन को गुस्सा आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, जल्दी से इस बार को खरीद लो। लेकिन ये बार तो पहले से ही चेन का था, इसलिए बोलता है, तुम इस बार को नहीं खरीद पाओगे, और अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। दोनों लिफ्ट से जा रहे थे, अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है। श्वेन को कार एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है और उसे लगता है उसके सामने उसका एक्स लवर है, इसलिए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? श्वेन बोलता है, क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? श्वेन बोलती है, कल हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था ना, और हमारा बच्चा कहाँ है? फिर फोन में देखती है कि 5 साल बीत चुके हैं। मिस्टर चैन बताता है, तुम अपनी मेमोरी भूल गई थी 5 साल पहले। श्वेन बोलती है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मिस्टर चैन से लिफ्ट से बाहर लाता है तो वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही श्वेन होश में आती है, वो फिर से सब कुछ भूल जाती है, इसलिए चैन को बुरा लगता है। श्वेन पूछती है, क्या हुआ था? चैन बोलता है, कुछ नहीं, लिफ्ट खराब हो गई थी और तुम बेहोश। लेकिन श्वेन को लगता है जरूर कल कुछ हुआ था, इसलिए वो उसी बार के सीसीटीवी कैमरा चेक करने चली जाती है। लेकिन वहाँ का बंदा बताता है, लिफ्ट के कैमरे खराब हो गए थे, इसलिए हम आपको कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे। श्वेन के वहाँ से जाते ही वहाँ का बंदा मिस्टर चैन को कॉल करता है, आपकी वाइफ यहाँ पर आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया। मिस्टर चैन बोलता है, ये तो काफी स्मार्ट निकली, यानी इसे मुझ पर डाउट हो गया है। डॉक्टर फ्रेंड बोलता है, अभी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसे फोर्स मत करना कुछ भी पुराना याद करने के लिए। श्वेन जा रही होती है तभी मिस्टर शिन अपनी कार लेकर आ जाता है। चलो ना एक कैफे में जाकर बैठकर बातें करते हैं। श्वेन बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। शिन बोलता है, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसे तुम प्यार करती थी, तुम्हें क्या हो गया? श्वेन बोलती है, अगर ऐसा है तो सोचो, मैं पहले अंधी थी और अब मेरी आँखें खुल गई हैं। मिस्टर शिन बोलता है, क्या तुम नहीं जानना चाहती पास्ट में क्या हुआ था? श्वेन बोलती है, मुझे जानना है पर तुम्हारे मुंह से नहीं। नेक्स्ट सीन में श्वेन बात लेकर बाहर आती है, तभी मिस्टर शिन उसके लिए मिल्क लेकर आ जाता है। श्वेन तो डर जाती है। मिस्टर चैन माफी मांगता है, मुझे नहीं पता था तुम शावर ले रही हो। श्वेन बोलती है, ऐसे शर्मा क्यों रही हो? मिस्टर चैन बोलता है, दूध पियो और जाकर बेड पर सो जाओ। दूध लेने के चक्कर में गलती से श्वेन से टॉवल छूट जाता है। चैन उसे फटाफट से कवर करता है और नर्वस हो रहा होता है। श्वेन बोलती है, इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम तो एक बच्चे के डैड भी हो ना। चैन तो शर्मा के भाग जाता है। रात में दोनों एक ही बेड पर लेटे होते हैं। चैन तो अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। श्वेन बोलती है, क्या हुआ, इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? चैन बोलता है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है सुबह होते ही तुम फिर से मुझे किक मार दोगी। श्वेन बोलती है, चिंता मत करो, नहीं मारूंगी। वैसे तुम्हारी एक्स किस टाइप की थी? चैन बोलता है, एक्स? कौन सी एक्स? मेरी कोई एक्स नहीं थी, मैं तुम्हारे बेटे अनकी मोम के बारे में पूछ रही हूँ, वो किस टाइप की पर्सन थी? मिस्टर चैन झूठ बोल देता है, मैंने उसे रोड से उठाया था, पर मैंने अभी तक अपने बेटे को नहीं बताया, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे बता दूंगा। चैन बोलती है, क्या तुम्हारी सच में कोई एक्स नहीं थी?
एंड बोलता है कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पर उसके घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। चलो अब आंखें बंद कर सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेन जब उठती है चैन वहाँ से जा चुका था। श्वेन को अपनी कबर्ड में चैन का पुराना फोटो मिलता है जिसमें वो अपनी लवर के साथ होता है। उसकी लवर की फोटो देखकर श्वेन को लगता है इसका मतलब मैं इसकी सब्स्टिट्यूट हूँ क्योंकि ये मेरी तरह दिखती है, ये सोचकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चैन को बोलता है हमें सर्जरी करनी होगी श्वेन के दिमाग में से उस क्लॉट को निकालने के लिए, तभी उसकी सारी मेमोरी वापिस आ सकती है। लेकिन चैन सर्जरी से मना कर देता है क्योंकि सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे। ऐसा भी हो सकता था कि श्वेन अपनी सारी मेमोरीज ही भूल जाए। लेकिन तभी श्वेन आकर बोलती है मैं ये सर्जरी करवाना चाहती हूँ। मिस्टर चैन बोलता है एक बार सोच लेना कि हो सकता है तुम अपनी बेटी युआन को भी भूल जाओ। श्वेन बोलती है ठीक है तो मैं सोच कर बताऊंगी। जानी नाम की लड़की हॉस्पिटल में आ जाती है और शिन को बोलती है और श्वेन को बोलती है चैन को डिवोर्स दे दो, वो मेरा मैन है। श्वेन बोलती है चैन मैंने तो मिस्टर पाई से शादी की है ना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसी भी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स करा दोगी क्या। तभी चैन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। जिनी बोलती है मैं तुम्हारे लिए अब्रॉड से वापस आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, वैसे ये लड़की कौन है। श्वेन बोलती है देखो ना ये तुम्हें मिस्टर चैन समझ रही है पर तुम तो पाई हो ना, इसे समझाओ यहाँ से जाए। और जिनी को बोलती है अगर ये सच में चैन है तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगी। जिनी बोलती है मुझे गलत फहमी हो गई थी, ये मिस्टर पाई है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ये बोलकर वो चैन को बोलती है मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन का इंतजार करूंगी। उसके जाते ही श्वेन बोलती है ये तुम्हारी एक्स लवर है ना, मैंने इसकी फोटो देखी थी, तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं इसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। मिस्टर चैन उसे फोटो दिखाता है यही फोटो देखी थी ना तुमने। श्वेन बोलती है हाँ देखो ना साइड से ये जिनी जैसी ही लग रही है। श्वेन बोलता है ये जिनी नहीं है बल्कि ये तो हमेशा से अब्रॉड में रही है। श्वेन बोलती है हो सकता है तुम भी इसके साथ अब्रॉड में रहते हो पर ये रिच है इसलिए हो सकता है इसने तुम्हें छोड़ दिया हो। चैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। चैन बोलती है ओके मेरे सवालों के जवाब क्यों दे रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। और डिवोर्स मांग लेती है। मिस्टर चैन साफ मना कर देता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। चैन बोलती है क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी लवर वापस आ गई है तो तुम उसके साथ रहो ना। ये सुनकर मिस्टर चैन उसे सच बता देता है मैं ही वो धोखेबाज हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, इस फोटो में मैं और तुम हो। श्वेन को गुस्सा आ जाता है तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, क्या प्रॉब्लम आ गई थी। मिस्टर चैन बोलता है मेरी मजबूरी थी मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया, और अगर तुम अब कुछ भी मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा पर प्लीज ये सर्जरी मत कराओ। श्वेन बोलती यानी अभी तक तुम मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे, तुम्हें सब कुछ मालूम था, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जैसे ही चैन बाहर आता है जिनी उसे हक कर लेती है, चैन उसे दूर हटा देता है। जिनी बोलती है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम इस तरीके से अपना एहसान उतार रहे हो। मिस्टर चैन बोलता है तुमने नहीं तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी तो मैं उनका एहसान मंद हूँ ना कि तुम्हारा कर्जदार। जिनी बोलती है अभी मैंने तुम्हारे लिए उसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में उसे बता सकती हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे। चैन बोलता है मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें जो करना है कर सकती हो पर मैं उसी से प्यार करता हूँ। जिनी बोलती है पर मैं ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हूँ। इसके बाद श्वेन सर्जरी के पेपर पर साइन कर देती है। डॉक्टर फ्रेंड बोलता है तुम सच में ये सर्जरी करवाना चाहती हो। श्वेन बोलती हाँ 90% चांस तो है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और अगर बाय चांस ये सर्जरी फेल हो जाती है तो मेरी बच्ची की कस्टडी मिस्टर पाई को दे देना, मुझे यकीन है वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। चैन को पता चल जाता है उसकी वाइफ की सर्जरी होने वाली है इसलिए भागा हुआ हॉस्पिटल में आता है। उसका फ्रेंड बोलता है तुम चिंता मत करो तुम्हारी वाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। सर्जरी के बाद डॉक्टर फ्रेंड उसे बताता है सर्जरी तो एकदम ठीक हुई है पर उसे होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चैन अपनी वाइफ के पास बैठा होता है तुम जल्दी से होश में आ जाओ उसके बाद हम अपनी अच्छी लाइफ जिएंगे। तभी लीना भी मोम के साथ आ जाती है और अंदर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन बॉडी गार्ड उसे रोक देता है। मोम बोलती है किसके ऑर्डर पर तुम हमें रोक रहे हो। तभी चैन आकर बोलता है मैंने ऑर्डर दिया है
लीना बोलती है, प्रिटी बॉय तुम मम्मी कैसे रोक सकती हो। चैन बोलता है क्योंकि मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ। आंटी बोलती तो क्या हुआ, मैं भी उसकी रिलेटिव हूँ तो मैं भी मिल सकती हूँ। और अंदर जाने लगती है लेकिन मिस्टर चैन उसे रोक देता है। लीना बोलती है कहीं तुम निश्वन से शादी इसलिए तो नहीं की ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सको। मिस्टर चैन बोलता है मुझे तो लगता है तुम उसे मारना चाहती हो। तभी एक नर्स श्वेन को इंजेक्शन देकर बाहर आती है। चैन उस नर्स को पकड़ लेता है, तुम अंदर क्या करने गई थी। वो नर्स घबरा जाती है और उसके हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है। चैन अंदर आकर अपनी वाइफ को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डॉक्टर फ्रेंड चेक कर बताता है ये अभी तक एकदम ठीक है। जिसके बाद चैन उस नर्स की क्लास लगाता है। एक्चुअली में उस इंजेक्शन में ऐसी मेडिसिन थी जिससे श्वेन का दिमाग हमेशा के लिए डेड हो सकता था। मिस्टर चैन उससे पूछता है ये बताओ तुम्हें किसने ये काम करने के लिए पैसे दिए हैं। तभी जीनी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ है। एक्चुअली में जीनी ने ही नर्स को पैसे दिए थे ये काम करने के लिए, लेकिन नर्स सारा इंजाम लीना पर डाल देती है। लीना बोलती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। नर्स बोलती है झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने ही तो कहा था अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगी तो उसके बाद तुम 5 मिलियन मुझे पे करोगी। मिस्टर चैन तो लीना पर भड़कने लग जाता है, बताओ तुम मेरी वाइफ को क्यों मारना चाहती हो। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारी वाइफ को हर्ट कर भला इसे क्या मिलेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे मारकर हमें उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डोनेशन में चली जाएगी तो हम भला उसे क्यों मारेंगे। लेकिन चैन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज देता है। नेक्स्ट सीन में चैन को होश आ जाता है और उसकी सारी याददाश्त भी वापिस आ गई थी। तभी शिन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है युआन गायब हो गई है, जरूर इसका ही हाथ होगा इसके पीछे। चैन बोलती है ज्यादा बनो मत, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। 5 साल पहले तुमने मुझसे सगाई मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए की थी, पर बाद में तुम अब्रोड भाग गए थे क्योंकि तुम्हें फोर्स किया जा रहा था इस शादी को करने के लिए। शिन बोलता है तब मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, पर अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चैन बोलती है नाटक करना बंद करो, ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है। चैन बोलता है पता नहीं कौन उसे लेकर चला गया। चैन बोलता तुम्हें कैसे पता युआन गायब है। मिस्टर शिन बोलता है मैं घर पर गया था तो युआन मुझे मिली नहीं। चैन उसे खींचकर बाहर लेकर आता है और उसे बोलता है तुमने ही मेरी बेटी को छुपा कर रखा है ना। चैन बोलता है मैं भला उसे क्यों छुपाऊंगा, चलो देखते हैं कौन उसे ढूंढता है। चैन उसी की होगी जो उसे ढूंढ लेगा। ये बोलने के बाद वो अपने आदमियों को कॉल करता है, जल्दी से युआन को ढूंढ कर निकालो। कॉल करते ही वो चैन को बोलता है तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किसके सहारे तुम अपनी बेटी युआन को ढूंढोगे। चैन भी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, पूरी सिटी को बंद करा दो और कैसे भी कर मेरी बेटी को ढूंढो। शिन बोलता है क्या पागल हो गए हो, तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है जो इस सिटी को बंद करा सको, तुम्हें मालूम भी है पर सेकंड कितने का लॉस होगा। चैन बोलता है ये सब छोड़ो तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें ढूंढना नहीं है क्या युआन को, या फिर तुमने ही उसे छुपा कर रखा है। शिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी शिन को उसके आदमियों का कॉल आता है, हमें युआन कहीं भी नहीं मिल रही है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए हम जा रहे हैं क्योंकि किसी ने इस सिटी को बंद करा दिया है। कॉल कटने के बाद मिस्टर शिन डरते हुए पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। तभी मिस्टर चैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, युआन हमें मिल गई है और उस बंदे को भी सबक सिखा दिया है जिसने उसे उठाया था। ये सुनने के बाद मिस्टर शिन के तो होश ही उठ जाते हैं, आखिरकार ये चीज क्या है। चैन अपने बच्चों से मिलने के लिए बाहर आता है, दोनों बच्चे भी अपनी मोम से मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं। शिन को तो ये देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। तभी लीना भी वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है क्या हम दोनों हाथ मिला ले। चैन बच्चे को बोलता है मोम को रेस्ट की जरूरत है, अब तुम चले जाओ कल मिलने आना। बच्चों के जाते ही श्वेन थैंक यू बोलती है। चैन बोलता है थैंक यू क्यों बोल रही हो, आखिरकार हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। श्वेन उसे बोलती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मिस्टर चैन बोलता है क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले हमारा कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पहले हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं और उससे अपना रिवेंज लेंगे, उसके बाद अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। चैन बोलती है तुम्हारा कोई पर्पस है ना। चैन बोलता है हाँ है ना पर्पस, तुम हो। चैन बोलती है लेकिन अगर मैं नहीं मानी तो। चैन बोलता है युआन और अन के बारे में सोचो क्योंकि हमारा एनिमी उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनने के बाद
श्वेन मान जाती है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नेक्स्ट सीन में श्वेन डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और बोलती है, ये 5 साल पता नहीं कैसे बीत गए, मेरे लिए एक सपने जैसे थे। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस कार एक्सीडेंट के बाद? चैन बोलता है, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। एक दिन तुम्हारे बारे में पता चला, पर साथ ही ये भी पता चला कि तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। चैन बोलती, उस कार एक्सीडेंट में मुझे सदमा लग गया था कि तुम मर गए हो, शायद इसीलिए मैं तुम्हें भूल गई होंगी। चैन बोलता है, चलो ना हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। चैन बोलती है, मैं तुम्हें 5 साल पहले प्यार करती थी, पर ये बाकी के 5 साल मैंने तुम्हारे बिना बिताए हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अभी भी। चैन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार में डाल लूंगा। श्वेन तो चली जाती है। मिस्टर चैन सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता दूं। चैन रूम में आता है सोने के लिए। श्वेन बोलती है, क्या हुआ, क्यों आए हो? चैन बोलता है, सोने आया हूँ ना, हम दोनों साथ में सोते हैं। श्वेन उसे तकिया पकड़ा देती है, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, वैसे भी हम तो कॉन्ट्रैक्ट कपल है ना, जाकर बाहर सो। चैन को बुरा लगता है, जब इसकी मेमोरी नहीं थी उससे पहले ज्यादा अच्छा था, तब कम से कम ये साथ सोने तो देती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग श्वेन बोलती है, मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर चैन बोलता है, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। श्वेन बोलती है, रहने दो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, इवन अभी तक तुमने जितने भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो सारे फेल ही रहे थे, तो बेटर रहेगा मैं अपना बिजनेस खुद ही करूं। वैसे अगर तुम मेरे सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैन को बुरा लग जाता है, लेकिन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बनूंगा। और मन में सोचने लग जाता है, चलो इस बहाने मैं इसकी क्लोज तो रहूंगा। उसके बाद वो चैन के साथ कंपनी आती है जहाँ पर शिन भी पहुँच गया था। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन शिन मना कर देती है। बोलता है, मैंने ही तुम्हारी बच्ची युआन को ढूंढ कर निकाला था। चैन बोलता, झूठ क्यों बोल रहे हो? शिन बोलता, भला तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ है, तुम तो एक मामूली से वेटर हो, तो एक बच्ची को कैसे ढूंढ निकालते। टीना भी वहाँ पर इतराते हुए आ जाती है। चैन बोलती है, तुम जेल से बाहर क्या कर रही हो, तुम तो जेल में चली गई थी ना। चैन बोलता है, इसने सारा इंजाम अपनी मोम पर डाल दिया और खुद बाहर आ गई। चैन बोलती है, तुम तो बड़ी अच्छी बेटी निकली। लीना बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ इस कंपनी को संभालूंगी। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और लीना पर भड़क रही होती है, क्योंकि उसने उससे जो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे थे उससे उसका फेस खराब हो गया था। लीना बोलती है, मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रही हो, तुम्हारा फेस पहले से ही ऐसा था। उस लड़की को गुस्सा आता है, वो चैन पर कुछ गिरने वाली थी। चैन बीच में आ जाता है और उसे अपने साथ गाड़ी में ले आता है। श्वेन बोलती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। श्वेन उसकी चोट कर देख कर बोलती है, चलो मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ, वैसे तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, देखो ना कितना घाव हो गया है। चैन बोलता है, एज अ सेक्रेटरी ये मेरा फर्स्ट डे था, तो मुझे तुम्हारी रक्षा तो करनी ही थी ना। चैन मलम पट्टी कराने के लिए अपने डॉक्टर फिन के पास आ जाता है। मिस्टर चैन तो जानकर दर्द में होने का नाटक करता है ताकि श्वेन का टेंशन ले सके। श्वेन बोलती है, क्या इतना पेन हो रहा है? चैन बोलता है, नहीं इसने जानकर मेरा हाथ दबा दिया, इसलिए थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है, 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। श्वेन बोलती है, क्या बस 2 दिन? डॉक्टर बोलता है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हें इस कितनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, तुम तो बोल रही थी ना तुम इसे पसंद नहीं करती हो। चैन बोलती है, क्योंकि इसे मेरी वजह से चोट लगी है। चैन अपने फ्रेंड को इशारा करता है और वो वहाँ से निकल लेता है। चैन उसकी केयर करने लग जाती है। मास्क लगाकर हॉस्पिटल से बाहर आती है। लीना भी वहाँ पर आ जाती है और उसे दिखाती है, लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं कि तुम अगली बन गई हो। एक्चुअली मैं उन सभी को लग रहा था श्वेन का फेस खराब हो गया है। श्वेन बोलती है, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मैटर है ना, मैं खुद देख लूंगी। चैन श्वेन को लेकर घर आ जाता है। दोनों बच्चे बोलते हैं, मॉम आप कमेंट्स मत पढ़ना, लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, वैसे हमने आपको मिस किया। चैन बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में जेनी चैन के पास पहुंच जाती है। चैन बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जेनी बोलती है, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। चैन बोलता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा? जेनी बोलती है, लेकिन अब उसका फेस खराब हो गया है। चैन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा मेरी ही वाइफ रहेगी। जेनी बोलती है, तुम्हें इसका एक दिन पछतावा होने वाला है, ये बोलकर चली जाती है। रात में श्वेन उसके लिए दूध लेकर आती है। श्वेन अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसे बोलता है, जरा मेरी बॉडी पूछ देना, मुझसे अपनी बैग पूछी नहीं जा रही।
नर्वस होते हुए उसकी बैग पूछने लग जाती है। टेन उसे बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। श्वेन मना कर देती है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना, वहाँ मैं खुद चली जाऊंगी। चैन तो उसे अपने पास खींच लेता है। तुम्हें नहीं लगता हम शादीशुदा हैं? चैन बोलती है, नहीं हम बस दोस्त हैं। ये बोलकर चली जाती है। चैन सोचता है, चलो हमारा रिश्ता कुछ तो आगे बढ़ा। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चैन भी वहाँ पर आ जाती है। लीना को लगा था अब तो इसका कचरा हो जाएगा, लेकिन उसका फेस देखने के बाद उसकी ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चैन अनाउंसमेंट करती है, हमारी कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है, और जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है हमारी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज कर उनकी भरपाई भी हमारी कंपनी ही करेगी। ये बोलकर वो लीना को भी अपनी कंपनी से निकाल देती है। अब तुम हमारी कंपनी में काम नहीं करोगी। लीना को तो गुस्सा आ जाता है, तभी वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जिसका फेस खराब हो गया था। एक्चुअली में उसे श्वेन ने ही वहाँ पर बुलाया था ताकि वो लीना की पोल पट्टी सभी के सामने खोल सके कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिलावट कर उन्हें बेचती है। लीना तो बस देखती ही रह जाती है। श्वेन वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैन बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा ये नया ब्रांड हर जगह इंटरनेट पर छा रहा है। श्वेन बोलती है, तुम आजकल ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। श्वेन बताती है, मुझे अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। चैन बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। श्वेन बोलती है, तुम क्या करोगे, तुम तो एक मामूली सा वेटर का काम करते हो ना। चैन बोलता है, मेरा मिस्टर चैन के साथ कॉन्टैक्ट है ना, तुम भूल गई क्या। श्वेन बोलती है, रहने भी दो। तभी श्वेन की सेक्रेटरी आ जाती है, जेनी ने ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया है। एक्चुअली में उसने अपनी और चैन की शादी की खबर पोस्ट कर दी होती है। चैन बोलता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। श्वेन बोलती है, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या, क्योंकि वो मिस्टर चैन से शादी करने वाली है। चैन बोलता है, मुझे क्यों जेलसी होगी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है। श्वेन की सेक्रेटरी उसे दिखाती है, मिस्टर चैन ने पोस्ट किया है कि उनका जेनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। श्वेन को तो डाउट होने लग जाता है, कहीं यही तो मिस्टर चैन नहीं है, पर 5 साल पहले जब ये मुझे मिला था तब भी पुअर था, ये मिस्टर चैन भला कैसे हो सकता है। नकली वाले चैन से मिलता है, वो बोलता है, जेनी ने मुझे जबरदस्ती वो पोस्ट करवाने को कहा था। चैन बोलता है, वो जैसा कह रही है ना वैसा ही करना, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम नकली वाले चैन हो। नकली वाला चैन ओके बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में श्वेन एक बार में बैठी होती है, उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। तभी जेनी भी वहाँ पर आ जाती है और बॉडीगार्ड को बोलती है, साइड हटो। श्वेन बोलती है, ये मेरे बॉडीगार्ड नहीं है, ये मिस्टर चैन के बॉडीगार्ड हैं। जेनी बोलती है, मिस्टर श्वेन की फियांसी तो मैं हूँ, तो वो तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी नकली वाला मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाता है और श्वेन को हेलो बोलता है, तुम पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। श्वेन बोलती है, क्या अपनी फियांसी जिनी को हाय नहीं बोलोगे। वो बोलता है, ये जिनी कौन है, मेरी तो कोई फियांसी नहीं है। जिनी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो। और मिस्टर चैन को बोलती है, तुम कुछ कहोगे नहीं क्या। मिस्टर चैन बोलता है, मैं क्या बोल सकता हूँ। और उसे बोलता है, जरा बात करने के लिए बाहर आओगी। नकली वाला चैन श्वेन से बातें करने लग जाता है, तुमने मुझे बात करने के लिए क्यों बुलाया था। जिनी चैन को बोलती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में श्वेन को बता दूंगी। चैन बोलता, अगर तुम्हें बताना होता ना तो अभी तक तुम बता चुकी होती, ऐसे धमकियां थोड़ी देती। जिनी बोलती, ऐसी बात है ना, अभी बताती हूँ उसे जाकर, फिर देखना वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। चैन बोलता है, मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, 3 दिन के अंदर तुम यहाँ से जा रही हो। जिनी बोलती है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए एक सुटेबल पार्टनर हूँ। चैन बोलता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम किसी को भी हर्ट नहीं करना। जिनी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे पीने को बोलती है, ये पी लो, उसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। मिस्टर चैन वो ड्रिंक पीकर बाहर आ जाता है। श्वेन बोलती है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या कुछ बात है। चैन बोलता है, ये बताओ मिस्टर चैन, तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए माने क्या। श्वेन बोलती, हाँ वो 50 मिलियन मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। चैन बोलता है, क्या कहा, ओनली 50 मिलियन, मैंने तो 100 मिलियन कहा था। श्वेन तो शोक हो जाती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम उसे क्यों कहोगे। चैन बोलता है, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था,
वो इतना बड़ा आदमी है, 50 मिलियन से क्या होगा, 100 मिलियन तो इन्वेस्ट करने ही चाहिए थे ना। मिस्टर चैन उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन तभी चैन की तबीयत खराब हो जाती है। श्वेन उसे घर लेकर आ जाती है। चैन को तेज फीवर था। श्वेन बोलती है मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। चैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो, तुम मेरे सामने हो ना मुझे अच्छा लग रहा है। श्वेन बोलती है तुम्हें पता है तुम युआन से भी ज्यादा अनोइंग हो, एकदम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। चैन उसे बोलता है तुम्हें याद है जब हम दोनों कॉलेज में साथ में थे, मुझे ऐसे ही फीवर हो गया था और तुम बहुत ज्यादा डर गई थी। श्वेन उसे पूरी कहानी सुनाने लग जाती है, जो सुनकर चैन को तो नींद ही आ जाती है। श्वेन उसके फोरहेड पर किस कर देती है। चैन बड़बड़ा रहा होता है मुझे वापिस से उसी कॉलेज टाइम में वापिस जाना है। इधर शिन टीवी पर न्यूज देख रहा होता है श्वेन का नया प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा रहा है, जो देखकर उसे गुस्सा आता है और जीनी को बोलता है तुम क्या कर रही हो, बैठे बैठे बस पिए जा रही हो। जीनी बोलती है मैंने चैन को मेडिसिन दे दी है, धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, बस उसे एक बार और वो मेडिसिन देने की जरूरत है जिसके बाद उसकी सारी मेमोरी गायब हो जाएगी और मैं उसे अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगी। शिन बोलता अच्छा रहेगा ऐसा ही हो। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर चैन एक फाइल लेकर आता है, इस पर तुम्हें साइन करने हैं। श्वेन बोलती है ये क्या कह रहे हो, इस पे तो मैं ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ, क्या तुम भूल गए हो, लगता है तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाकर रेस्ट करो। नेक्स्ट सीन में चैन श्वेन को डिनर पर लेकर आ जाता है। श्वेन बोलती है मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था पर तुम तो मुझे डिनर पर लेकर आ गए। श्वेन बोलता है क्योंकि आज चांद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। श्वेन बोलती है तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर केक आ जाता है। एक्चुअली में आज दोनों को 1 साल हो गया था साथ में रहते हुए, दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। जेनी भी वहाँ आ जाती है, तभी वेटर ड्रिंक लेकर आता है। जेनी उसमें वो मेडिसिन मिला देती है। तभी मिस्टर चैन को एक कॉल आता है, वो अटेंड करने के लिए बाहर आता है। वेटर उसे ड्रिंक दे देता है जिसे वो पी लेता है। इधर श्वेन के फोन पर कोई चैन और जीनी का साथ वाला फोटो भेज देता है। विचैन वापिस आ जाता है। श्वेन बोलती है मैं तुमसे कुछ गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। चैन बोलता है बिल्कुल मांग सकती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। फिर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ कर ला सकता हूँ आसमान से। श्वेन बोलती है तुम्ही चैन हो ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, 5 साल पहले भी तुमने मुझसे झूठ कहा था और अभी भी बोल रहे थे। चैन की तो तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन श्वेन को लगता है वो नौटंकी कर रहा है। चैन बोलता है 5 साल पहले भी मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था, लेकिन तब हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं कंफर्म करना चाहता था तुम बाकी लड़कियों की तरह लालची नहीं हो जो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें तब सच नहीं बताया था। चैन बोलती है ओ तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। ये बोलकर जाने लगती है। चैन उसे रोक रहा होता है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है। श्वेन उसे उठाती है और कार में बिठाती है, पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। चैन बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बेहोश हो जाता है। एक्चुअली में ये कार एक्सीडेंट शिन ने किया होता है, क्योंकि उसे जिनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। चैन को हॉस्पिटल में लेकर आती है, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। श्वेन बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। जिनी आकर उसे सुनाती है तुम्हारी वजह से आज चैन को इतनी ज्यादा चोट लग गई है, और चैन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। श्वेन उसे रोकती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिनी बोलती है तुम होती कौन हो, वो मेरे साथ जाएगा, मैं उसे लेकर जाऊंगी और उसका अब्रोड जाकर ट्रीटमेंट करवाऊंगी। लेकिन तभी मिस्टर चैन का असिस्टेंट आ जाता है। चैन से संबंधित सारे डिसीजन उनकी वाइफ यानी कि श्वेन लेगी, क्योंकि वही उनकी लीगल वाइफ है, और उसे चैन की विल देता है और बताता है ये विल उन्होंने 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट से पहले बना ली थी। अगर किसी भी कारण उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जिनी बोलती है जरूर तुमने ही ये कार एक्सीडेंट करवाया होगा ताकि तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सको। शान बोलती है इससे तुम्हें क्या मतलब, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देख लूंगी, तुम दूसरों के हस्बैंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही स्टूपिडिटी की वजह से ये सब हुआ होगा। अभी डॉक्टर बाहर आ जाता है। श्वेन पूछती है वो कैसा है। डॉक्टर बोलता है हमने बचाने की पूरी कोशिश की। सुनकर श्वेन को तो चक्कर आने लग जाते हैं और जेनी तो उसे मिलने के लिए अंदर जाने लगती है। मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन श्वेन उसे रोक लेती है और उसे बोलती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है।
जिनी बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? श्वान बोलती है, मुझे यकीन है लास्ट टाइम जो नर्स मुझे मारने के लिए आई थी उसे तुमने ही भेजा था ना, और अब तुम चैन को भी अपने साथ ले जाना चाहती हो, इसलिए मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तभी डॉक्टर फ्रेंड अंदर चैन का इलाज करने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बाहर आता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। श्वान उस दूसरे डॉक्टर को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे झूठ बोलने की, मैं तुम्हारे खिलाफ केस ठोकूंगी। डॉक्टर बोलता है, मुझे ये सब करने के लिए जिनी ने कहा था। जिनी बोलती है, मैं तो बस उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट कराना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही चैन के होश में आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो होश में आता है, श्वान चिल्लाने लग जाती है, डॉक्टर जल्दी आओ। जेनी बोलती है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताता है, इसे अमनेशिया हो गया है। श्वान पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो नो बोल देता है। जेनी पूछती है, क्या मुझे जानते हो? वो बोलता है, हाँ। तुम जेनी हो ना? जेनी बोलती, हाँ मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। श्वान डॉक्टर से पूछती है, ये सब क्या है? डॉक्टर बोलता है, लगता है ये अपनी कुछ मेमोरीज भूल गया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़की इसे याद कैसे है। जेनी बोलती है, क्योंकि ये मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो ऑब्वियसली मुझे तो याद रखेगा ही ना। चैन बोलता है, तुम मेरी फियांसी थोड़ी हो, बल्कि तुम्हारे डैड और मेरी कंपनी कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। जेनी बोलती है, क्या बोल रहे हो? मैं सच में तुम्हारी फियांसी हूँ। चैन बोलता है, मेरी याददाश्त गई है, पर मैं स्टूपिड थोड़ी हूँ। पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया है। जेनी तो चिल्लाने लग जाती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और इस लड़की में ऐसा क्या खास है? डॉक्टर तो जेनी को वहाँ से बाहर निकाल देता है और अपने दोस्त को बोलता है, भाभी का ध्यान रखना। चैन बोलता है, भाभी क्या मतलब है इसका? चैन बोलती है, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, पर हम डिवोर्स लेने ही वाले थे। ये सुनकर चैन के तो सर में दर्द होने लग जाता है। चैन को उसकी फिक्र होने लग जाती है। चैन बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है, तो तुम मुझसे डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो? चैन बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो। चैन बोलता है, पता नहीं तुम्हें देखकर छोड़ने का मन ही नहीं करता। चैन तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, जैसे ही तुम डिस्चार्ज हो जाओगे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, और ये कहकर बाहर आ जाती है। चैन भी स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन श्वान के लिए बहुत सारे तोहफे भिजवाता है और खुद भी चला आता है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधा तुमसे मिलने आया हूँ। श्वान बोलती है, यहाँ क्या करने आए हो? अपने विला में जाओ ना। चैन बोलता है, मुझे पता चला मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना, पर प्लीज अब मुझे माफ कर दो। चैन बोलती है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चैन बोलता है, तुम भी अपनी मेमोरी भुला चुकी थी, मैं भी अपनी मेमोरी लॉस कर चुका हूँ, तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। ये बोलकर वो उसे हग करता है, लेकिन वो उसे दूर हटा देती है और उसे वोमिट आने लग जाती है। हॉस्पिटल में जाकर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। चैन बोलता है, अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। श्वान बोलती है, जब तक ये बेबी बोर्न नहीं हो जाता तब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में रहेंगे। चैन मान जाता है, ये सब जिनी ने भी देख लिया होता है। दोनों घर पर पहुँच जाते हैं। बच्चे बोलते हैं, हमें पता चला डैड आप अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हैं। चैन बोलता है, चाहे कुछ भी हो फिर भी मैं तुम्हारा डैडी रहूंगा। अन बोलता है, पता नहीं हमारी फैमिली में कौन सी प्रथा चल रही है, कभी मोम अपनी मेमोरी भूल जाती है, कभी डैड। चैन बोलती है, क्या नॉनसेंस बातें किए जा रही हो। इसके बाद सभी साथ में बैठ जाते हैं। चैन बोलता है, मुझे तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। अन बोलता है, अगर आप लोग डिवोर्स लेने वाले हो तो हम पहले ही बता दे, हम डिसएग्री हैं। अन बोलती है, मॉम कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? चैन मना कर देती है। दोनों बच्चे बोलते हैं, तो सही है। चैन श्वान को बोलता है, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ। श्वान बोलती है, इसका मतलब वो धोखेबाज आप थे? चैन बोलता है, मुझे नहीं मालूम पास्ट में क्या हुआ था, पर अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रात में श्वान शावर लेकर आती है और चैन को अपने रूम में देख कर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बोलता है, हम शादीशुदा हैं, सबको डाउट हो जाएगा अगर मैं बाहर चला गया। वैसे तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, ये सारी बातें बच्चों ने भी सुन ली होती है। श्वान बोलती है, आपने हमसे झूठ कहा, और वहाँ से भाग जाती है। अनबियू अपनी बहन को ढूंढने उसके पीछे जाता है। चैन को युआन मिल जाती है। युआन बोलती है, मोम हमें नहीं चाहती। चैन बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोम तुम्हें बहुत चाहती है, बल्कि तुम तो उनके साथ कितने सालों से रह रही हो, वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी तो किसे करेगी। इधर अन अपनी बहन को ढूंढते हुए बाहर तक आ जाता है। जेनी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। चैन उसे रोकती है, कहाँ लेकर जा रही हो? जेनी बोलती है, ये मेरा बेटा है, और उसे पैटर्निटी टेस्ट दिखाती है।
श्वान फिर भी उसे रोकती है, चाहे तुम्हारा बेटा क्यों ना हो पर फिर भी तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। जेनियन को भड़का देती है, देखो ये प्रेग्नेंट है, उसके बाद तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जिसके बाद अन उसके साथ चला जाता है। श्वान अंदर आकर ये सारी बातें चैन को बता देती है। चैन बोलता है, अना की मेरी मेमोरी लॉस हो गई है पर वो उसका बेटा कभी नहीं हो सकता। चैन बोलती है, इसका मतलब वो तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है। चैन बोलता है, वो कुछ नहीं करेगी, बस मुझे फोर्स करना चाहती है ताकि मैं उसके साथ चलूं। चैन बोलती है, एक दिन तुमने मुझे बताया था तुमने अन को कहीं से उठाया था। चैन बोलता है, पर मुझे लगता है मैं ही उसका बायोलॉजिकल डैड हूँ। चैन बोलती है, तो फिर उसकी मोम कौन है, कहीं मैं तो नहीं हूँ? हो सकता है मैंने ट्विंस को जन्म दिया हो, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी का भी बेटा है, बस वो जिनी के पास नहीं जाना चाहिए। असिस्टेंट इन दोनों को बताता है, अन मुझे हॉस्पिटल में मिला था, नर्स उसे फेंक रही थी, तभी उसकी सांसें मुझे चलती हुई मिली तो मैंने उसे उठा लिया। असिस्टेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे कंफर्म होता है उस दिन श्वान ने ट्विंस को जन्म दिया था, जिसके बाद इन दोनों को कंफर्म हो जाता है ये उसी का बेटा है। इधर युआन बड़ी चलाकी से अपने भाई को यहाँ से भगाकर ले जाती है। ये दोनों भी बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। अन पूछता, डैड क्या सच में आपने मुझे उठाया था? चैन बोलता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ। और श्वान बोलती है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम हूँ। चारों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। श्वान डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आई होती है, डॉक्टर आकर पूछती है आपकी वाइफ कहाँ पर है। चैन बोलता है, वो तो डिलीवरी रूम में है, पर डॉक्टर बताती है वहाँ पर तो कोई नहीं है। चैन रूम में आकर देखता है, वो तो गायब थी, एक्चुअली मिस जिनी उसे उठाकर ले गई थी। श्वान बोलती है, मुझे जाने दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। जिनी बोलती है, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए, तुमने मुझसे मेरा चैन छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा बेबी छीन लूंगी। तभी शिन भी वहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये दोनों मिले हुए थे। श्वान रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरे बच्चे को हर्ट मत करना, तुम कहोगे तो मैं चैन को डिवोर्स देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चैन भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इसे छोड़ दो। शिन बोलता है, ये तो कमाल है, तुम तो अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, ये बोलकर उसे हिट करता है। जेनी को तो गुस्सा आ जाता है, तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हो, उसके बाद भी तुम इससे ही प्यार करते हो, तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर जेनी श्वान को मारने वाली थी, पर शिन उसे रोक लेता है, ये मेरा प्यार है, तुम इसे कैसे मार सकती हो। मिस्टर चैन इस बात का फायदा उठाकर दोनों को धक्का मार देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से उठाकर सीधा हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, आज दोनों की शादी होती है और उनके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चैन श्वान को रिंग पहनाता है, अगर मुझे कुछ याद भी नहीं रहा तब भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, ये बोलकर दोनों किस करते हैं, तभी उनका तीसरा बेबी भी रोने लग जाता है। श्वान बोलती, अरे इस मुसीबत को तो हम भूल ही गए थे। चैन स्माइल करने लग जाता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।